टांग कविता है सुनो और टोंक की धरती पर पंक्ति पढ़ता हूं। श्रेष्ठ के कल्याण हित विश्वान कविता है सुनो। मानसनोचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत मन में ज्वार का उन्माद भरकर शब्द शक्ति जागरण उत्थान कविता है सुनो। शब्द शक्ति जागरण उत्थान कविता है सुनो। मेरी कविता शब्दों का सोले श्रृंगार नहीं है और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का बंधन हार नहीं है और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है। भूषण दिनकर की जोड़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकरा कर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी और मेरी कविता भारत माँ की जय जयकार करेगी। वाह 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 वाह, वंदे मातरम। पिछले एक वर्ष में मुझे ध्यान नहीं आता, यह थोड़ा माइक ठीक कर दो। माइक लाल जहां भी हूं, ए माइक के लाल, माइक ठीक कर दो इसको, इसका बेस कम कर दो, ट्रबल बढ़ा दो, इसकी आवाज थोड़ी उठा दो और इको खत्म कर दो अगर आप। हाँ, कौन है ये? ये पहली बार ही देखा, कोई महिला भी पागल होती है। देख लें कोई थोड़ा सा। हाँ, इसे देखें साहब। कोई बात नहीं, बैठ जाओ भैया, कोई बात नहीं है। बैठिए बैठिए, कोई खास बात नहीं है। बैठो, इसमें क्या खास बात है यार? दो चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा माइक हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता जी आप पधारो, घर इंतजार कर रहा था। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विश्वपान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शर संधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पार्थ से गीता ज्ञान कहेगी और शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। मैं ईमानदार से कहना चाहता हूं, पिछले एक वर्ष में जितने कार्यक्रम मैंने कहीं पढ़े हैं, इस एक वर्ष के दौरान वर्णिनी चरण भिगोती है, नवरस के मन मोती चुनकर छंदों की माल पिरोती है, नवरस के मन मोती चुनकर छंदों की माल पिरोती है, गागर में सागर भरकर जब रचना करती है ब्रह्मसुता, मन दृग से निश्रित धार बहे तब जाकर कविता होती है, तब जाकर कविता होती है, तब जाकर कविता होती है। मैं कविता की कोशिश करूंगा, एक दो कविताएं आपसे मुखातिब होकर सुनाने की हिम्मत जुटाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें कर लेना चाहता हूं। स्वागत आपका। कोई परिवर्तन मुझे नजर नहीं आता साहब, मुझे नहीं परिवर्तन नजर आता। एक मुख्यमंत्री कश्मीर में था जिसने अफजल की फांसी के वक्त कहा कि इससे कश्मीर का गुस्सा बढ़ेगा, और दूसरा मुख्यमंत्री आया है, उसने कहा कि उग्रवादियों और पाकिस्तान की मेहरबानी से हमारे कश्मीर में चुनाव अच्छे हो गए। माफ करना मुझे, कोई परिवर्तन मुझे नजर नहीं आता। मैं आप सबका उत्साह देखना चाहता हूं, मैं आपके बीच इस सदन में एक बात रखना चाहता हूं। कोई अदालत नहीं देश की जहां पर देशद्रोह के वक्तव्यों के लिए कोई केस दर्ज हुआ हो, अभियोग दर्ज हुआ हो। मैं इस अदालत में खड़ा होकर टोंक की धरती पर एक अभियोग दर्ज कराना चाहता हूं कि सोवी गाली देकर उसने पापों का घट भर डाला, सोवी गाली देकर उसने पापों का घट भर डाला, चक्र सुदर्शन उठा कृष्ण ने शिशुपाल वध कर डाला, सत्ता का इंसाफ तराजू मध्य हवा में डोल रहा, गद्दारों के मंसूबों से लहू हमारा खौल रहा, एक सपोला शिव शंकर के बाहु बल को तोल रहा, अरे एक सपोला शिव शंकर के बाहु बल को तोल रहा, कश्मीर का मुख्यमंत्री ये भाषा कैसी बोल रहा। वाह 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 वाह,
वाह 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 बढ़िया। हाँ, कश्मीर का मुख्यमंत्री ये भाषा कैसी बोल रहा, अफजल के अवशेषों पर जो देशद्रोह की बात करे, भारत के गद्दार वही जो भारत माँ पर घात करे, अरे आस्तीन में सांप डालना अब हमको स्वीकार नहीं, और हिंदुस्तान में गद्दारों को जीने का अधिकार नहीं। वाह 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 बढ़िया है, जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी। कटते हुए वृक्ष से कुलाड़ी ने कहा, वृक्ष तुम्हारी तो नियति ही कटना है, मैं हिंदुस्तान की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मेरे भाइयों ने बहुत समर्थन किया, पीछे जितने लोग बैठे हैं जिनके चेहरे मैं नहीं देख पा रहा, हाथ खड़े हुए देख पा रहा हूं, उनसे निवेदन करता हूं, क्या मेरे देश की स्थिति क्या है, एक तस्वीर बनाना चाहता हूं। कटते हुए वृक्ष से कुलाड़ी ने कहा, वृक्ष तुम्हारी तो नियति ही कटना है, फिर मैं जब तुम्हें काट रही हूं तो इतना दर्द क्यों हो रहा है। वृक्ष का जवाब सुनिएगा, तस्वीर देखिएगा। वृक्ष ने कहा कि हे कुलाड़ी, मेरे ही वंश का अंश जब मेरे विध्वंस का कारण बन गया हो और ये दंश मुझे मेरी छाती पर झेलना पड़ रहा हो तो दर्द होना स्वाभाविक है। ये जो हत्ता तुम्हारा साथ दे रहा है ये मेरे वंश की औलाद है, मेरे कुल की औलाद है। ये हत्ता अगर तुम्हारा साथ नहीं देता तो शायद तुम मुझे काट नहीं पाती। निवेदन करता हूं कि दहशत गर्दों की फांसी ने देशद्रोह के फन कुचले, लेकिन इन घटनाओं पर भी गद्दारों के मन मचले, गद्दारों के बहने वाले आंसू तो घड़ियाली है, देश विभाजन के मंसूबे महज पुलाव ख्याली हैं। जो लोग दरिंदों की फांसी को नाजायज बतलाते हैं, गीदड़ भभकी दे भारत के वीरों को धमकाते हैं, उनका गुस्सा आसमान में चढ़ता है तो चढ़ जाए, उनका पारा आसमान में चढ़ता है तो चढ़ जाए, और कश्मीर का गुस्सा बेशक बढ़ता है तो बढ़ जाए, लेकिन गीदड़ भभकी सुनकर ये दिग्गज डोल नहीं सकते, और भारत की धरती पर तुम ये भाषा बोल नहीं सकते। बेहतरीन, वाह योगेंद्र जी। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है, अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह में जियारत करने की इच्छा से पाकिस्तान के प्रधान पिछले दिनों हिंदुस्तान आए, वो जियारत करने के लिए जाना चाहते थे। तत्कालीन केंद्र की सरकार के एक मंत्री ने जयपुर में उनका जब स्वागत किया तो टीवी की स्क्रीन धूज रही थी, टीवी की स्क्रीन हिल रही थी, जोर से हाथ हिलाया साहब। लेकिन वहीं जब एक परंपरा सी है कि जब कोई प्रधान किसी देश का आता है तो अजमेर के ख्वाजा को या अजमेर के ख्वाजा को जियारत करने का मन रखता है तो वहां के प्रमुख दीवान को अगवानी करने के लिए आगे आना होता है, उनका स्वागत करना पड़ता है। लेकिन तभी एक घटना घटित हुई थी, याद करना मेरे भाइयों बहनों, निश्चित रूप से आप भूले नहीं होंगे, दो सैनिकों के मस्तक काट लिए गए थे, हेमराज का मस्तक लौट कर आज तक हिंदुस्तान नहीं आया। उस घटना के बाद जब वो प्रधान हिंदुस्तान की धरती पर आया तब हमारी दरगाह के प्रमुख दीवान जनाब जैनुल आबेदीन अली खान ने कहा कि मैं ऐसे देश के प्रधान की अगवानी नहीं करता जिसके माथे पर हमारे सैनिकों का मस्तक काटने का दाग लगा हुआ, लहू लगा हुआ। वाह, सारे लोग गद्दार नहीं होते। मैं तो कहता हूं कि ये पद्मश्री किस लिए दिए जाते हैं, अगर आपको पद्मश्री देने हो तो ऐसे देशभक्तों के चरणों में न्योछावर कर दिए जाने चाहिए। एक पप्पू ने फिर बयान दिया, हाँ पप्पू हंसने की बात नहीं, मैं पप्पू सब देश के अलग अलग होते हैं, हिंदुस्तान के पप्पू की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के पप्पू की बात कर रहा हूं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुखर्जी के बलिदान की धरती कश्मीर ऐसे नहीं मिली तो हम छीन कर ले लेंगे। 9 दिन बाद मेरे देश का प्रधान अमेरिका की धरती पर कहने लगे कि हम उस पाकिस्तान से भी मित्रता चाहते हैं। इस विडंबना के बीच खड़ा होकर फिर 120 करोड़ लोगों की भावनाओं को इस मंच के माध्यम से पढ़ना चाहता हूं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, तेवर देखना चाहता हूं, आप मुझे सुनना चाहेंगे मैं कविता सुनाऊंगा, नहीं तो मेरी पंक्तियां यहां समाप्त होकर कविता समाप्त की मेरी बारी पूरी समाप्त हो जाएगी। निवेदन करता हूं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत आपका। क्या है ये सब बातें, क्यों आ जाती है,
120 करोड़ लोगों की भावनाएं पढ़ता हूं, याद करना भूल हमारी कहीं ना कहीं भूले हमारी है। हमने 17-17 बार गौरी को माफ कर दिया, हमने 92,000 सैनिकों को माफ कर दिया कि घर चले जाओ। फिर मौका आया तो घुसपैठियों को हमने 3 दिन की मोहलत दे दी कि जाओ लौट जाओ, कोई बात नहीं। 527 सैनिक खोकर हम विजय दिवस मनाते हैं, विजय दिवस मनाने का ढोंग करते हैं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, स्वागत, और देखना चाहता हूं टोंक का तेवर क्या है। कि पृथ्वीराज की भूलों वाले, इस मोहल्ले से खास निवेदन करता हूं, कि पृथ्वीराज की भूलों वाले पन्ने वापस मत खोलो, पृथ्वीराज की भूलों वाले पन्ने वापस मत खोलो। अरे शूल बिछे आंगन में हरगिज अंधे होकर मत डोलो, धूल चटा दो गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे, धूल चटा दो गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे, और जीभ काट लो कुत्तों की जो कश्मीर की बात करे। नहीं नहीं 10 मिनट, अरे देता ऐसे नहीं योगेंद्र जी, अभी तो शुरू ही हुआ है अपन तो। एक बार चाल लिया, देखो ये वीर सुनने वाले हैं ऐसा।